हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी बाइट्स और मैं हूं अंजलि। गाइस, आज मैं रिव्यू करने जा रही हूं आपके साथ बॉन्जोर पेरिस का फ़ोटो मैच फाउंडेशन का। और ये जो फाउंडेशन है गाइस, ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूं, तो इसका रिव्यू भी शेयर करूंगी आपके साथ साथ। तो गाइस, सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और हल्का सा लिप बाम अप्लाई किया है, क्योंकि फेस ड्राई वॉश किया है तो फेस ड्राई हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा लिप बाम अप्लाई कर लिया है। अब मैं फाउंडेशन उसके ऊपर अप्लाई करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपना फेस पे मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र। यहाँ पे मैं बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। ये मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है गाइस, और ऑल टाइप ऑफ सीजन्स के लिए है। तो सबसे पहले मैं फाउंडेशन लगाने से पहले अपने फेस को करूंगी मॉइस्चराइज। चेक कर लेते हैं फाउंडेशन को। सो गाइस, इसका जो प्राइस है वो है 275 रुपीज़ का। ये ऑनलाइन अवेलेबल है, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। और ये कुछ इस तरह की ग्लास बॉटल है, और ये है इसका कैप। और गाइस, एक चीज़ आपने देखी होगी, फाउंडेशंस जो होते हैं महंगे फाउंडेशंस में ही आपको इस तरीके का पंप मिलेगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी ने इसमें आपको पंप दिया हुआ है, ताकि इजी इसकी एप्लीकेशन जो है थोड़ा इजी हो जाए। तो मैंने मॉइस्चराइज कर लिया है, थोड़ा सा मैं अपने हैंड में इसको निकाल लेती हूँ पंप की हेल्प से। ये देखिए, थोड़ा सा फाउंडेशन मैंने निकाल लिया है, और इसको मैं अप्लाई करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। आपको मेरे फेस पर दिख रहा होगा थोड़ी सी कलर डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है मेरे को उस वजह से। तो देखते हैं कि इसकी कवरेज कैसी है। सो गाइज, ये सारा मैंने ले लिया है अपने ब्लेंडर पे, और मैं इसको अप्लाई करूँगी डॉट डॉट करके पूरे फेस पे। मुझे थोड़ा सा और चाहिए होगा, पंप इसका काफ़ी अच्छा है, इजीली इससे प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकल रहा है। समटाइम होता है पंप में दिक्कत आती है, तो प्रोडक्ट को निकालने में हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं इसको अच्छे से पूरे फेस पे ब्लेंड कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी कवरेज की बात करूं तो कवरेज इसकी अच्छी है फाउंडेशन की, लेकिन ये मेरे को थोड़ा सा केकी लग रहा है, यानी थोड़ा सा फाउंडेशन यहाँ से क्रैक हो रहा है चीक्स पे। मैंने बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड करने की कोशिश करी है, लेकिन ये उतना अच्छे से स्किन पे गया नहीं। ये देखिए, लेकिन इस फाउंडेशन में एक मुझे अच्छी बात ये लगी कि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं है, ऑयलीनेस नहीं आ रही है, स्टिकीनेस नहीं आ रही है फेस पे। अच्छे से स्किन ने इसको ऑब्जर्व कर लिया है, स्किन ने इसे सोख लिया है। लेकिन ये जिसे इसमें लिखा हुआ है सुपर ब्लेंडेबल एंड इनविजिबल फाउंडेशन, तो ऐसा मुझे इसमें कुछ थोड़ी कमी मुझे लग रही है। कंपनी चाहे तो इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकती है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा ये फाउंडेशन केकी हो रहा है, फट रहा है। मैंने बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड करने की कोशिश करी है। अब मैं फ्रेंड्स, फ्रेग्रेंस अच्छी है, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है, उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रही है। प्रोडक्ट की जो ये है, इसमें SPF सनस्क्रीन भी डाला गया, उन्होंने SPF 15 डाला गया है, अच्छे से ब्लेंड भी हो गया है। लेकिन जो प्रोडक्ट है वो मेरे फेस पे थोड़ा केकीनेस मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ा रफ सा फट रहा है यहाँ पे, जबकि मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड किया है। ऐसा नहीं मैं ब्लेंड नहीं किया है, प्रोडक्ट भी अच्छे से स्किन टोन पे हिसाब से चला गया है। कंपनी चाहे तो थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करना चाहिए। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन तो ये कहता है कि
प्रोडक्ट थोड़ा सा फट रहा है फेस पे लगने से, और क्वालिटी में थोड़ा सा उनको इम्प्रूवमेंट दिखानी पड़ेगी। अदरवाइज़ प्रोडक्ट अच्छा है, स्टिकीनेस नहीं है, अच्छे से ड्राई हो गया है, अब्जॉर्ब हो गया है स्किन के अंदर, और मेरे फेस में जो मेरा टोन था स्किन का उसको भी काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गया है, और फ्रेगनेंस भी अच्छी है इसकी। ऐसा कुछ हार्ड, कोई हार्श आपको इसकी महक नहीं आएगी। बस थोड़ा सा ये फट रहा है, केकी हो रहा है फाउंडेशन, बस यही मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। अदरवाइज़ इस प्राइस में ये मुझे ठीक लगा, 275 रुपये का है, और बोतल अच्छी है, ट्रैवल फ्रेंडली है, लुक वाइज अच्छी है, पंप इसमें आपको मिलेगा, ईजिली ब्लेंड भी हो गया है। तो गाइज़ मैं इसको उतना 100% रिकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन हाँ अगर इस प्राइस में आपको चाहिए कि एक ब्रांडेड प्रोडक्ट आपको मिले तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हो। मे बी शायद आपकी स्किन पे चला जाए, आपकी स्किन पे फटे ना, केकीनेस न दिखाई दे, क्योंकि हम सबकी स्किन अलग अलग है। तो मेरे फेस पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे केकीनेस इसकी दिखाई दे रही है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि इसमें थोड़ा सा कंपनी इसको इम्प्रूव करे। अदरवाइज़ फाउंडेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें टोटल 4 शेड्स अवेलेबल हैं कंपनी का, इसमें 2-3 शेड्स, कम से कम 6 शेड्स इसमें और लॉन्च करने चाहिए, और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो गाइज आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा, और आप में से पूछते हैं कि इसको आप यूज़ करें कि या ना करें, तो मैं इसको रिकमेंड करूँगी। मे बी हो सकता है आपकी स्किन पर यह चला जाए, आपकी स्किन पर वो प्रॉब्लम ना आए जो मेरी स्किन पर आई है। सो गाइज आई होप यू लाइक द प्रोडक्ट, आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड आई होप यू लाइक द रिव्यू। सो गाइज इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और इसी कंपनी का मैं आपको बॉन्जोर पेरिस का ही जो नेक्स्ट वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ वो है इसका कंसीलर, और देखते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है और वो मेरी स्किन पे जाएगा नहीं जाएगा। अदरवाइज़ प्रोडक्ट अच्छा है और अफोर्डेबल भी है। सो गाइज मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।